हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द ब्रेन एंड इट्स फंक्शन सो दिस इज अवर पार्ट फाइव वीडियो लेक्चर ऑन दिस टॉपिक ऑफ नर्वस सिस्टम एंड वी आर स्पेशली लर्निंग इन डिटेल अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड वी हैव डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ब्रेन एंड इट्स फंक्शन ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसके फंक्शन है उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में स्टडी किया है तो आज का जो हमारा पार्ट फाइव लेक्चर है जिसके अंदर हम ब्रेन के कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट्स की जैसे कि सैरेब्रम है कि ये वाला जो पोर्सन सेरेब्रम उसके साथ नीचे के साथ ये जो है नीचे की और वो है सेरेबलम उनका लोकेशन और डिटेल फंक्शन हम डिटेल में स्टडी करेंगे ये वीडियो लेक्चर में सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर so be updated with farmer knowledge for that subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of pharma rocks get the app from pharma rocks android app on google play as well as apple iphone app on app store so download this app pharma rocks for test series video lecture pdf and ppds of our lecture get the links in the description box सो फार्मरॉक्स का स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर वगैरह आपको ऐप आप ऊपर से मिल जाएगा तो अभी डाउनलोड करिए एप फार्मरॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एज वेल एज एपल आईफोन फोन एप ऑन एप स्टोर सो गेट द डिटेल्स ऑन द ऐप एप गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम इट इज ए कलेक्शन ऑफ ए कॉम्पलेक्स नर्व कि जैसे हमने डिटेल में ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट्स के अंदर सीखा है कि नर्वस सिस्टम के अंदर मेन तो है एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो बनती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में से जितनी भी अलग अलग, अलग नर्व्स निकलती है वो कही जाती है पेरिफेरल नर्व्स और पेरिफेरल नर्व नौस से तैयार होता है पी कि जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेन दो ऑर्गन है तो उनका जो काम है नर्वस सिस्टम का कि इन्फॉर्मेश्स को रिसीव करना कि जो भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर होती है आसपास एंड उसके रिलेटेड जो रिस्पॉन्स जनरेट करना और जो हमारा बॉडी रिएक्ट करता है वो हमारे मोटर रिस्पॉन्सिस तो क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम का हमने देखा कि नर्वस सिस्टम सी और पी से बना है पी के अंदर इफेरेंट ऑफेरेंट ऑफेरेंट मतलब कि जो सेंसरी न्यूरॉन होती है वो एन इफेरेंट मतलब कि मोटर मोटर मूवमेंट दो टाइप की होते हैं कि इनवॉलेंटरी एंड वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी में एंड ऑटोनिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पेथेटिक सिंपेथेटिक एंड एंटेरिक जो फंक्शन है कि जो ऐसे फंक्शन की जिसपे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है कि जैसे कि डाइजेशन होना प्लस हार्ट रेट वगैरह है रेस्पिरेशन जो हमारे बॉडी के अंदर होता है तो वो सब है इन वॉलेंटरी फंक्शन और वॉलेंटरी पे हमारा कंट्रोल है कि जब समझो कि हम वॉकिंग करते हैं राइटिंग करते हैं रीडिंग करते हैं तो ये सब वॉलेंटरी मूवमेंट है तो वो भी एक टाइप के मोटर मूवमेंट ही हुए तो ये है नर्वस सिस्टम की सी और पी से बना है एंड जो अलग अलग नर्व्स अलग अलग एरिया में पहुँचती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल के वो कही जाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो पूरे बॉडी के अंदर हमारे फैली हुई है और वो सेंसरी एंड मोटर फंक्शन उसके मेन है तो ये हमारा ब्रेन की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट कहा जा सकता है तो उसके अलग अलग पार्ट्स हमने ऑलरेडी स्टडी किए कि सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड की ओर से हम एंटर होते हैं ब्रेन में तो ब्रेन स्टेम आता है कि जिसके अंदर मेडुला का रीजन आएगा पहले उसके बाद पॉन्स का रीजन उसके बाद ये मिड ब्रेन का रीजन फिर आगे जाते हैं तो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस होता है फिर ये पूरे जो ऊपर का जो पोर्शन हम कहें तो जो सेरेब्रम का पोर्शन की जहां पे अलग अलग लोब्स प्रेजेंट है कि जो हम आज सीखने वाले हैं एंड नीचे वाला है ये सेरेबेलम का पोर्शन तो शुरू करते हैं लेक्चर के अंदर कि जो ब्रेन का हमने पता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी विथ हंड्रेड बिलियन न्यूरोन वन ऑफ द लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ और बॉडी के जिसके अंदर हंड्रेड मिलियंस बिलियंस हंड्रेड बिलियंस न्यूरोन और न्यूरोग्लियल सेल तो आप देखो तो ट्रिलियंस में है दस से लेकर पचास ट्रिलियन और ये बिलियंस के अंदर तो इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने सारे न्यूरॉन्स जो है वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है फॉर मेन पार्ट्स कि ब्रेन स्टेम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया उसके बाद डायन पार्ट फोर के अंदर हमने स्टडी किया कि पार्ट फोर था इसके अंदर डायनसेफेलन एंड पार्ट थ्री के अंदर हमने ब्रेन स्टेम और पार्ट वन और टू में डिटेल में हमने बेसिक देखा था नर्वस सिस्टम का उसका क्लासिफिकेशन वगैरह और जो हमारा आज का लेक्चर है स्पेशली पार्ट फाइव वो कवर करेगा सेरेब्रम एंड सेरेबलम तो शुरू करते हैं अब तो सबसे पहले सेरेब्रम क्या है तो सेरेब्रम इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन अपर मोस्ट पार्ट कि जैसे कि ब्रेन के जो नीचे का अलग अलग पोर्शन और उसके ऊपर समझो कि ये उसकी कैप है कैप जैसा जो हम कह सकें कि उसके अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स की जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए वो प्रेजेंट होते हैं बट ये वाला जो पूरा पोर्शन जो ये तैयार होता है कि जिसको हमने किया है कलर ब्लू कलर के अंदर हम ये देख सकते हैं कि ब्लू कलर का ये जितना भी रीजन है कि इस तरह से ये उसका अलग अलग सेक्शंस पड़ते हैं तो यह है सेरेब्रम तो सेरेब्रम इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन अपर मोस्ट पार्ट की एक टाइप का कैप बनाएगा ब्रेन का तो ये है अपर मोस्ट पार्ट सेरेब्रम इट कंटेंट द टू हेमिस्फियर उसके स्ट्रक्चर के अंदर दो हेमिसफियर जो है वो प्रेजेंट है कि एक हेमिसफियर जो है उसका वो लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड और जो स्प्लाइट होता है बाय सेंट्रल फिसर की जो हम ब्रेन का ये स्कीमेटिक जस्ट बनाए तो एक ऊपर का ये दो पार्ट और बीच में जो ये लाइन जो पड़ती है जिससे ये सेरेब्रम का पोर्शन दो पार्ट में समझो कि डिवाइड हो है ये पार्ट ए और ये पार्ट बी तो दोनों हेमिस्फीयर हो गए कि ये वाला एक हेमिस्फीयर और ये वाला एक दूसरा हेमिस्फीयर और दूसरों दोनों हेमिस्फीयर जो है वो स्प्लिट होते हैं बाय दिस सेंट्रल फीसर की ये जो सेंट्रल में जो पूरी लाइन जो हम ड्रॉ करें तो सेंट्रल फीसर कहेंगे हम उससे वो दोनों पोर्शन एक दूसरे से जो है वो स्प्लिट होते हैं द सेरेब्रम फ्रंट ऑफ ब्रेन इज कंपोज़ ऑफ द राइट एंड लेफ्ट हैमेस्फियर कि एक या बी की जगह समझो कि मैं एक साइड लेफ्ट और एक साइड राइट लिखता हूँ तो दो उसके हो जाएंगे ये हेमिस्फियर एंड दे आर जॉइन बाय द कॉर्पस कैलोसम तो दिस इज योर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेस्ट पिन पॉइंट तो ये ख़ास याद रखिए आप कि जो सेरेब्रम है कि सेरेब्रम इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि जैसे ब्रेन के ऊपर एक कैप है वैसे पूरा एक रीजन कि जिसके अंदर अलग अलग लोब्स प्रेजेंट है वो हम आगे सीखते हैं लोब्स कि अलग अलग उसके जो रीजन पड़ते हैं क्योंकि इतना बड़ा रीजन है तो उसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है और उसके दो पार्ट पड़ते हैं एक तो हैमिस्फियर एक लेफ्ट साइड का और राइट साइड और दोनों सेंट्रल फीसर से स्प्लिट होते हैं एंड ज्वाइन होते हैं बाय कॉर्पस कैलोसम तो ये पॉइंट खास याद को याद रखने के कॉर्पस कैलोसम जॉइन द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ए सेरेब्रम तो अलग अलग डिफरेंट व्यूज आप देखो इसके तो साइड व्यू हम देखें ब्रेन का तो उसके अंदर हमें ये सैरेब्रम के अलग अलग व्यूज़ देखने को मिलेंगे तो आ, ये साइड से आप देखो तो ये पीछे का जो पोर्शन ओसीपिटल लॉब ये वाला जो पोर्शन पेरिएटल लॉब आगे का पोर्शन फ्रॉन्टल लॉब और ये वाला जो पोर्शन है टेम्पोरल लोब तो ये मेन चार उसके लॉब की ये पी वाला पेरिएटल एफ फ्रंटल टी टेम्पोरल और यहां पे ओसी लॉब इसी को आप बैक से देखोगे बैक साइड से तो ये ग्रीन वाला जो पोर्शन ये बैक साइड से हम देख रहे हैं कि समझो कि यहां पे किसी पर्सन की हम जो है वो आइस ड्रॉ करते हैं तो ये वाला साइड व्यू है कि साइड से आपको इस तरह से आईज उसकी समझो कि यहाँ पे है तो ये सामने की ओर वो देखेगा तो ये हम उसको साइड से देख रहे हैं तो ये साइड व्यू हुआ किसी ब्रेन पोर्सन का बैक से अब पीछे से देख रहे हैं हम उसको क्योंकि ये जो पोर्सन है ये पीछे का पोर्सन कि यहाँ से इस तरह से वो पर्सन का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो आगे तैयार होगा तो यहाँ पे समझिए आप कि ये जो नेक का पोर्सन पूरा होगा यहाँ पे यहाँ पे ईयर्स वगैरह तो जस्ट समझिए आप अच्छे से तो ये ये वाला जो ग्रीन पोर्सन जो है वो ओसीपुटल लोब फिर जो टेम्पोरल लोब है तो एक साइड का ये टेम्पोरल लोब यहाँ पे एंड ही दैट टेम्पोरल लोब पेरिएटल लोब ये वाला पोर्सन की जो ब्लू कलर का है पेरिएटल और उससे आगे जब फ्रॉन्टल लोब तो आगे की ओर चले जाएगा तो ये फ्रॉन्टल लोब तो आप यहाँ पे देखो ये एक सेंट्रल लाइन है बीच में कि ये वाला में पोर्सन लेफ्ट साइड का हो और ये राइट right साइड तो ये दोनों हैमोस्फियर एक दूसरे से जो सेंट्रल फीसर है उससे अलग होते हैं एंड कॉर्पस कैलोसम से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं फ्रंट व्यू देखो कब मैं आगे से देख रहा हूं तो आगे से अब ये पर्सन की नेक है यहाँ पे जो है उसके आइज का पोर्शन बन रहा है जस्ट इमेज इन ही करना है ऐसा कुछ कंफर्म नहीं ड्रॉ कर रहे हम तो ये वाला जो लोब है पेरिएटल लोब बनेगा फिर ये टेम्पोरल लोब ऑरेंज कलर से आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर वाला फिर और ये है पूरा फ्रॉन्टल लोब यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिलेगा कि जो पिंक कलर का जो पोर्शन है पूरा पिंक कलर पोर्शन कि जो फ्रॉन्टल लोब का है वो इजीली देख सकते हैं इसे समझो कि टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू के अंदर हमें ये फ्रंटल व्यू पूरा पिंक कलर से अच्छे से देखने को मिलेगा तो इस तरह से जो अलग अलग लोब्स है ओसिपिटल लोब, लोब टेम्पोरल लोब तो ये अलग अलग लोब्स हमें इजी को इजीली देखने को मिल सकते हैं ये सारे ब्रह्म के चार अलग अलग डिफरेंट व्यू के चारों व्यू हमने देख लिए साइड व्यू बैक व्यू से टॉप व्यू से एंड ऑल्सो फ्रॉम द फ्रंट व्यू तो इसे चारों व्यूज अच्छे से आपको याद रखने कि जो हमारा सेरेब्रम की एक टाइप का पूरा ऊपर जो लेयर कह सके कि जो ब्रेन का पोर्शन और उसके ऊपर का जो ये पूरा एक लेयर की जो कैप जैसा बन जाएगा और उसके अंदर अलग अलग लोब्स जो प्रेजेंट है तो सेरेब्रम इट सेल्फ कंटेंट द मेजर लोब्स ऑफ द ब्रेन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड गिविंग मीनिंग टू इन्फॉर्मेसन की लोब्स एंड गिविंग मीनिंग टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एज वेल एज कंट्रोलिंग द बॉडी कि बॉडी का जो कंट्रोलिंग का काम है एज वेल एज जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिसीव होती है अलग अलग सेंस ऑर्गन से तो वो जो है वो यहाँ पे रिसीव होते हैं सारे भ्रम के अंदर सरे सेरेब्रम के जो अलग अलग लोब्स हम कहे तो ये पीछे का जो लोब है ओसी पिटाल लोब तो वहां पे स्पेशली जो सेंस ऑर्गन है हमारा विजन के लिए आइज तो आइज में से उसके रिस्पॉन्सेज आते हैं और उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेश होके हमें मिलती है प्रॉपर विजन की जिसको हम कहते हैं हमारी दृष्टि कि हम जो देख पाते हैं वो विजन ये ओसिपिटल लोब के कारण है कि वहाँ पे उसके रिलेटेड सेंटर्स प्रेजेंट है उसके बाद ये ग्रीन वाला पोर्सन ये डायग्राम के अकॉर्डिंग टू कि पेरिएटल लोब कि वहाँ पे परसेप्शन के मेकिंग सेंस ऑफ वर्ल्ड वर्ड एंड अरिथमेटिक स्पेलिंग वगैरह के जो सेंटर से वो पेरिएटल लोब के अंदर है फिर सेंसरी कॉर्टेक्स सेंसेशन के लिए एंड मोटर कॉर्टेक्स मूवमेंट्स के लिए फिर टेम्पोरल लोब कि वहाँ पे मेमोरी हमारी कि जो हमारी मेमोरी है हमारी याद शक्ति होती है वो अंडरस्टैंडिंग की जो हम कुछ समझते हैं एंड ऑल्सो अबाउट द लैंग्वेज कि उसके सेंटर्स टेम्पोरल लोब में है एंड सबसे इंपॉर्टेंट आगे का हमारा फ्रांटल लोब की एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ थिंकिंग कि जो हम थिंकिंग करते हैं किसी भी चीज़ का प्लानिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजिंग का काम करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते करते हैं इमोशंस है बिहेवियर कंट्रोल पर्सनालिटी वो सब हमारा फ्रंटल लोब के अंदर उसके रिलेटेड सेंटर्स है तो एक सबसे इम्पोर्टेंट ये जो डायग्राम बन सकता है आपके लिए एमसीक्यू के लिए मोस्ट आईएमपी ये हम हटा देते हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट जो है वो स्लाइड को पॉज करके ले सकते हैं कि ये जो पोर्सन का आप अच्छे से स्क्रीन ले सकते हैं कि लोब्स आ जाएंगे उनके फंक्शन इवन रिकॉर्ड बुक के अंदर भी आप उसमें से नोट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं द सेरेब्रम द लार्ज आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द रीडिंग ओवरऑल सब हम देखें तो सेरेब्रम के ओवरऑल फंक्शन कंट्रोल द रीडिंग कि जो हम किसी बुक्स वगैरह को रीड करते हैं किसी भी मैसेज को रीड करते हैं कुछ भी ऐसा है हमारे आसपास कि जिसको हम रीड करते हैं फिर प्रॉपर थिंकिंग करते हैं हमारी लर्निंग है स्पीच है इमोशंस से है अलग अलग एंड प्लान मसल तो कुछ लिखते हैं रीडिंग करते हैं हमारा बॉडी का जो अलग अलग थिंकिंग है इमोशंस है तो वो सब सेरेब्रम के लिए रिस्पॉन्सिबल है इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल द विज़न हियरिंग एंड अदर सेंसेस की जो हमने लॉब्स के अकॉर्डिंग टू देखे वही हम डिटेल में यहाँ पे समझ रहे हैं कि मूवमेंट्स लाइक वॉकिंग भी सेरेब्रम जो है वो प्रॉपरली कंट्रोल करता है कि जो हमारी मूवमेंट है कि जो हमारी मोटर मूवमेंट कही जाती है कि जिससे हम अच्छे से चल पाते हैं वॉकिंग करते हैं तो वो भी सेरेब्रम के अंदर उसके सेंटर है प्रोवाइडर्स विद द एबिलिटी फॉर हायर कॉग्निटिव फंक्शन सच एज राइटिंग कि जब हम कोई अच्छे से लिखते हैं स्पीकिंग रीडिंग कैलकुलेटिंग प्लानिंग एंड क्रिएटिंग की जो वॉकेबुलरी भी हो सकती है वो कैलकुलेटिंग करना मैथमेटिकली प्लानिंग करना एंड कुछ भी नया क्रिएट करना तो वो भी सेंटर्स म कंट्रोल करता है एंड कंटेंट्स द मैनी फोल्ड कॉल्ड गायरे टू इंक्रीज द सर्फेज एरिया तो ये पॉइंट आपके लिए पिन पॉइंट है यहाँ पे जितने भी पिन पॉइंट्स जहाँ पे भी आते हैं वो हम यहाँ पे एनोटेशन करके आपको बता देते कि वो आपको खास ध्यान रखना है कि कंटेंट्स द मैनी फोल्ड सेरेब्रम कंटेंट द मैनी फॉल्ड इज कॉल्ड विच वन तो यहां से पिन पॉइंट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकल सकता है तो वो आप याद रखो गायरी जिसको हम कहते हैं कि जो हम देखते हैं कि अलग अलग फोल्ड्स होते हैं सैरेब्रम के अंदर की जो उसका बनाता है एक सरफेस एरिया तो ये हम देखते हैं ना ये सब ये अलग अलग ऐसे फोल्ड वगैरह बनते हैं कि जिससे उसका सरफेस एरिया पूरा इंक्रीज होता है वो हो गए है गायरी नेक्स्ट पोर्सन है सैरेबलम नेक्स्ट इज दिच इज द लेटिन फॉर लिटल ब्रेन ये वाला देखो this दिस वन मैं read कर रहा हूं ये portion. ये आपको अच्छे से दिखाई देगा दिखा होगा अब तो और यहाँ पे लिखा भी है सेरेबेलम तो ये ब्रेन का ये पूरा भाग जो है वो समझ लो कि आप मेजर ब्रेन तो ये पोर्सन उसका माइनॉर या फिर उसको लिटल ब्रेन भी कहा जाता है इज अ मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द हिंड ब्रेन इज द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द हिंड ब्रेन दैट इज लोकेटेड नियर द ब्रेन स्टेम ब्रेन स्टेम के नजदीकी ही है ये देखो ये वाला जो येलो वाला जो पोर्सन ये पूरा ब्रेन स्टेम है जिसके अंदर स्टार्टिंग में मेडुला होता है फिर पॉन्स और मिड ब्रेन तो हिंड ब्रेन मेजर स्ट्रक्चर ऑफ ए हिंड ब्रेन दैट इज लोकेटेड नियर द ब्रेन स्टेम ब्रेन स्टेम के पास ही है ये सैराबेम एंड दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंटरी मोमेंट्स वॉलेंटरी मोवमेंट्स हमने ऑलरेडी देखे कि जो हम मूवमेंट करते हैं वॉकिंग करते हैं सिंगिंग करते हैं स्पीकिंग करते हैं जो बोलते हैं वह सब हमारा वॉलेंटरी मूवमेंट है बिकॉज उस पर हमारा कंट्रोल है हमारी बॉडी का हम चाहे वैसे उसको कंट्रोल कर सकते हमें चलना है तो ही हम चलेंगे हमें बैठना है तो बैठे रहेंगे बोलना है तो ही बोलेंगे तो जो वॉलेंटरी मूवमेंट्स से वो सेरेबलम के पास है सब तो सेरेबैलम कंसिस्ट ऑफ टू हेमिस्फीयर एंड सरफेस कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर उसके सरफेस पर ग्रे मेटर होता है एंड सेरेबेलम के पास भी टोटल टू हेमिस्पीयर प्रेजेंट होते हैं द सेराबेलम कंपेयर्स इंटेंडेड मूवमेंट विथ वाट इज एक्चुअली हैपनिंग एक्चुअली जो भी हम रियलिटी uh, में जो कर रहे हैं कि मूवमेंट्स विथ वाट इज एक्चुअली हैपनिंग जैसे कि रेगुलेट द पॉस्चर कि जो हमारा पोस्चर होता है कोई भी कि समझो कि कैसे खड़े रहते हैं हम कि ये जो अलग अलग गैस्टर हमारे जो हमारे पोस्चर्स वगैरह होते हैं तो वो फिर जो बैलेंसिंग का जो है कि ये स्टार्टिंग में मूवमेंट करके यहाँ पे जो है वो स्टैंड अप हो रहे हैं एंड देन उसके बाद वहाँ पे वो अपना कर रहे हैं बैलेंस तो ये तभी पॉसिबल है कि जब हमारा सेलेबेलम प्रॉपरली ये मूवमेंट को कंट्रोल करे और उसको रेगुलेट करे एंड कोऑर्डिनेट द मसल कॉन्ट्रैक्शन और जब इस तरह से आप उसको प्रॉपरली ओनली ऑन सिंगल लेग पे बैलेंसिंग कर रहे हैं अपना जो पोस्चर है आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है तो ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर सेरेबलम वैसे ही इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ए नंबर ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग मोटर स्किल्स कि जो मोटर स्किल की जैसे हम देखते हैं कि ये जो छोटा बच्चा है वो खेल खेल में भी अपना यहाँ पे देखे तो जो मोटर स्किल है उसकी ये हम कह सकें कि उसकी एक टाइप की मोटर स्किल तो उसके अंदर ये देखो ये अच्छे से अपना ये दोनों हाथ उसने फैलाए हैं उसका मतलब ही इज ट्राइंग टू बैलेंसिंग हिट सेल्फ अपने आप को खुद से बैलेंस करने का ट्राई कर रहा है एज वेल एज कोऑर्डिनेशन रख रहा है कि ये दोनों जो उसके लेग्स हैं उसका हम देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे प्रॉपर अपना सेटअप कर रहा है वो पोजीशन या फिर उसका पोस्चर तो ये है सैराव के के कारण ही रिस्पॉन्सिबल है कि जैसे रिस्पॉन्सिबल फॉर ए नंबर ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग मोटर स्किल्स ये बन जाती है एक टाइप की मोटर स्किल की ये जो रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी हम नॉट ओनली द चिल्ड्रंस बट हम जो भी हमारे बॉडी के अंदर इस तरह से जब भी भी हम इसे बैलेंसिंग करते हैं कोऑर्डिनेशंस करते हैं अलग अलग गैस्टर्स सेटअप करते हैं पोस्चर सेटअप करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है सेरेबलम के रेगुलेशन के कारण तो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ए नंबर ऑफ फंक्शन इंक्लूडिंग बैलेंस की जिसके अंदर सेरेब्रम एंड सेरेबलम के बारे में हमने डिटेल में स्टडी की अब नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट सिक्स की जिसके अंदर हम लिंबिक सिस्टम को समझेंगे कि जो लिंबिक सिस्टम जो तैयार होती है ब्रेन के अंदर तो ये लिम्बिक सिस्टम के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे पार्ट सिक्स वीडियो लेक्चर में सो so, बने रहिए फार्मा फार्मरॉक्स के साथ जॉइस्टर ग्रुप की ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप करने ज्वाइन करने के लिए नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो थ्री सिक्स नंबर पे जस्ट आपको व्हाट्सएप करना है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है एंड ऑल्सो यूज करें फार्मारॉक्स की ऐप कि जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर पीपीटी एंड पीडीएफ ऑफ ओ लेक्चर वगैरह मिल जाएंगे गेट द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द मोबाइल ऐप एंड गेट द स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रीमियम क्वालिटी टेस्ट सीरीज विद प्रॉपर सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन रिजल्ट एनालिसिस एंड आल्सो गेट योर रैंक एंड प्रॉपर रिजल्ट एनालिसिस विद इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट तो ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन दिस एफ फार्मा रॉक्स एंड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले as well as Apple iPhone upon app, app Store.